झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले कुल 2321 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सरकार इसे राहत के तौर पर देख रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देने वालों की संख्या 7119 पर पहुंच गई है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। संक्रमण के कुल मामले 2321 आए हैं। सबसे ज्यादा मामले रांची जिले से आए हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 255 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। रांची जिले में ही पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 36,540 पर पहुंच गई है। बीते 1 मई को राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 58,437 थी। रांची जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 10,130 रही है। वहीं 1 मई को रांची जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 19,316 थी। बीते 1 मई को राज्य भर में मौत का आंकड़ा भी 159 पर था। इसमें अब काफी कमी आ चुकी है। झारखंड की उप राजधानी दुमका में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 40 है, जबकि इस वक्त दुमका में कुल एक्टिव केस की संख्या 570 है। वहीं अब तक दुमका में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 4,251 है। इस तरह जामतारा में अब तक कोरोना से 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जामतारा में फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 986 है। जामतारा में अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 4,739 है। गोड्डा जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 74 है, जबकि गोड्डा में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 380 है। गोड्डा में अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 5,096 है। संथाल परगना में सबसे ज्यादा देवघर जिले के 91 लोगों की मौत हुई है, जबकि देवघर में एक्टिव केस की संख्या भी 1707 है। वहीं देवघर में अब तक कुल पॉजिटिव केस की संख्या 9200 है।